मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता राजकीय जुबिलेंट कॉलेज गोरखपुर, आज आपके समक्ष अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का भाग 3 और अंतिमो भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस व्याख्यान में देख लेते हैं कि हमारा जो है प्रकरण क्या है, प्रकरण के पश्चात हमारे शिक्षण के बिंदु क्या होंगे, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस भाग 3 में क्या क्या समाहित है। तो भाग 3 में पदार्थों के चुंबकीय गुण पढ़ेंगे हम लोग। स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शिक्षण के बिंदु क्या है। इस शिक्षण के बिंदु में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ है उनको हम कैसे विभाजित करेंगे। उसी के अंतर्गत आएगा क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, धारणशीलता एवं निग्राह्यता, और अंत में आपको बताएंगे स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण से। प्यारे बच्चों, आप इस अध्याय के पूर्व के भागों में पढ़ चुके होंगे चुंबक क्या होता है, चुंबक से संबंधित गुण क्या है, ये भी आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या करने हेतु कुछ टर्म जैसे चुंबकन, चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय प्रवृत्ति, इन इत्यादि तथ्यों का आपने अध्ययन किया है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके आधार पर चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये देखा जाएगा। आप धारावाही परिनालिका से भी रूबरू हैं। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और आप ये भी जानते हैं कि धारावाही परिनालिका की संरचना कैसी होती है। जब किसी धारावाही परिनालिका में, जैसे मान लीजिए आपका ये धारावाही परिनालिका है, और इस धारावाही परिनालिका में अगर हम कोई पदार्थ रखते हैं तो उस रखे जाने वाले पदार्थ को क्रोड कहते हैं। क्या नाम देंगे उसको, क्रोड। क्रोड जो कि धारावाही परिनालिका के अंदर रखा जाने वाला पदार्थ है, यह इस धारावाही परिनालिका के चुंबकत्व को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जब हम धारावाही परिनालिका में रख करके यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, कुछ के कारण बहुत बढ़ जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके कारण इस धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व घट जाता है। इस स्थिति को देखते हुए फैराडे साहब ने इन चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो पहला पदार्थ हम लोग देखते हैं क्या होता है, जिसका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से बाह्य क्षेत्र के मान को घटा देते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, और चुंबकित होकर के ये बाह्य क्षेत्र के मान को कम कर देते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, पारा, बिस्मत, हाइड्रोजन इत्यादि, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके गुण क्या है। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक छड़ लें और छड़ लेकर के इसे हम चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखें तो यह छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 चुंबक ध्रुव हैं, N और दूसरा है S। अगर आप एक छड़ चुंबक जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का है, एक आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक छड़ लिए और इसको ऐसे रखें, तो जैसे ही आप रखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये तुरंत घूम करके इस चित्र की भांति आ जाता है, यानी कि जो मूल चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रगुण क्या है। दूसरा प्रगुण इसका ये कहता है कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है यह कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की ओर होती है।
तात्पर्य हुआ कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में यदि इनको रखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये उधर की ओर आकर्षित होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। यहां पर देखिए, अगर आप दो चुंबक ध्रुव ले रहे हैं और दो चुंबक ध्रुवों पर ऐसे एक प्याली रख करके प्रतिचुंबकीय पदार्थ का आप क्या करिए, यहाँ पाउडर रख देते हैं, तो चूंकि यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ बीच में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई। लेकिन सिरों पर देखिए, यहाँ पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। लेकिन अगर इन्हीं चुंबकीय ध्रुवों के बीच हम दूरी को घटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि यहां पर अब जब क्षेत्र बीच में अधिक हो जाएगा, तो क्षेत्र बीच में अधिक होने के कारण यहां चुंबकीय पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी और यहां सिरों पर देखिए ज्यादा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रगुण इसका क्या है। तीसरा प्रगुण ये कहता है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल लेकर यू आकार की नली में भर दें, तो ऐसी स्थिति में भरने के पश्चात अगर यू आकार की नली का एक सिरा चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखें, तो उस सिरे में घोल का जो तल है गिर जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप एक यू आकार की ऐसे नली ले लीजिए और इस यू आकार की नली में आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल सपोज कर लीजिए आपने यहां तक भर दिया। जैसे ही भर लेते हैं, भरने के पश्चात इस सिरों को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख देते हैं, यानी एन और एस के बीच जैसे ही रखेंगे, यहाँ घोल का तल क्या होगा, गिर जाएगा। अब जो घोल पहले यहाँ तक चढ़ा था, अब और नीचे यहाँ तक आ जाएगा। इस चित्र में इसी चीज का वर्णन किया गया है। चौथा देखते हैं, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और सूक्ष्म होती है। जो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है, मीनिंग से यह होगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकित होने का जो गुण बताता है वो ऋणात्मक होता है और साथ ही साथ वह सूक्ष्म होता है, यानी ये -1 से बड़ा होगा लेकिन शून्य से ये छोटा होता है। साथ ही साथ इनका देखा जाए कि यह ताप के साथ ये बदलता नहीं है। इन पदार्थों के लिए देखा जाए तो चुंबकशीलता 1 से थोड़ा सा कम होती है। तात्पर्य हुआ कि जो चुंबकशीलता है म्यू आर शून्य से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब इसका आता है दूसरा, जो चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में है, अब दूसरा आता है वह अनचुंबकीय पदार्थ है। अनचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से बाह्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि यह बाह्य क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, जिसके कारण बाह्य क्षेत्र का मान कुछ बढ़ जाता है। जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, क्रोमीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सब जो है अनचुंबकीय पदार्थ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अनचुंबकीय पदार्थ के गुण क्या हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अनचुंबकीय पदार्थ का जो पहला गुण होता है कि इनकी जो चुंबकन तीव्रता है, यानी पदार्थ में जो प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण मिलता है वह सूक्ष्म ही होता है, यानी कम रहेगा, धनात्मक होता है, और चुंबकीय तीव्रता यानी चुंबकीय सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा गुण ये कहता है इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई है धनात्मक और सूक्ष्म होती है, यानी काई का मान धनात्मक तो होगा लेकिन ये कम रहेगा। तीसरा, इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर 1 से अधिक होगा, यानी म्यू आर का मान 1 से अधिक होगा, यानी कम होगा लेकिन ये अधिक होता है। अब हम लोग इसका चौथा प्रगुण देखते हैं। चौथे प्रगुण में ये कहता है
इन पदार्थों की छड़ को अगर चुंबक ध्रुवों के बीच रखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए ये आपके दो चुंबक ध्रुव N और S, अगर आप अन चुंबकीय पदार्थ की छड़ लेकर आप ऐसे रख देते हैं, सपोज कर लीजिए आपने ऐसे रख दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गई, तो जैसे ही आप इसको ऐसे रखेंगे ये तुरंत रोटेट करके इस चित्र की समान, देखिए यहाँ चुंबकीय ध्रुवों के बीच ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समांतर हो जाता है। पांचवा और लास्ट गुण इसका देख लीजिए, पांचवा गुण ये कहता है कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है अधिक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की ओर होती है। इसका मीनिंग से हुआ कि अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में अनचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो ये उधर विस्थापित होंगे जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो यहाँ देखिए फिगर में इसी तरह समझाया गया है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कम है इसलिए बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण पदार्थ की मात्रा यहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन अगर हम लोग चुंबक ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ सिरों पर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और बीच में देखिएगा यहाँ पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं। तो बच्चों वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण बाह्य क्षेत्र का मान काफ़ी बढ़ जाए, यानी ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली यानी प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं और चुंबकित होकर के बाह्य क्षेत्र के मान को काफ़ी बढ़ा देते हैं, जैसे लोहा यानी Fe, कोबाल्ट जगह निकिल और इनकी जो मिश्र धातु है एल्निको आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग इसका गुण देखते हैं, इन पदार्थों की जो आपेक्षिक शीलता होती है वह जो है एक से काफ़ी अधिक होती है। मीनिंग से ये हो गया कि म्यू आर इज ए वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ वन। साथ ही साथ इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो धनात्मक भी होती है और काफ़ी अधिक होती है, यानी जो काई का मान है यहाँ पर ग्रेटर देन वन होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थों में अनचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण और अधिक प्रबल रूप से पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्यूरी का नियम क्या कहता है। कहता है ये कि अनचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो अनचुंबकीय पदार्थ हैं उन अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, यानी काई प्रोपोर्शनल टू एक बटा टी, यहाँ टी जो है परम ताप है जिसका मात्रक हम लोग केल्विन में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? केल्विन में लिखते हैं। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि काई इज इक्वल टू हो जाएगा सी बटा टी, और इसे सी को हम लोग क्यूरी नियतांक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्यूरी ताप क्या होता है। वह ताप जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाए, यानी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म करिए तो उसका चुंबकत्व तो घटता है, तो एक निश्चित ताप पर वह अनचुंबकीय हो जाएगा और जिस ताप पर यह परिघटना होगी उसे हम लोग नाम देते हैं क्यूरी ताप है। और इसे हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? टीसी से। किससे व्यक्त करेंगे? टीसी से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न समीकरण के अनुसार दिया जाता है, यानी काई प्रोपोर्शनल टू एक बटा टी माइनस टीसी, और यहाँ ध्यान रहे कि टी का मान टीसी से ज़्यादा होता है, इसे हम लोग क्यूरी वीस का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या है। तो चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल के आधार पर हम लोग क्या करेंगे,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या है। ठीक, आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वह चक्कर लगाता है, मान लीजिए ये आपका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसकी दो गतियां होती हैं। एक होता है जो कि कक्षा में चलता है, उसे हम लोग नाम देते हैं कक्षीय गति, यानी अपनी एक नियत चाल से निश्चित कक्षा में वो चक्कर लगाता है, इसे हम लोग नाम देते हैं कक्षीय गति। साथ ही साथ वह इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से होकर जाने वाले घूर्णन अक्ष के परितः यह घूमता भी है, जिसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति या चक्रण गति। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है चक्रण गति भी करेगा, कक्षीय गति में वो ऐसे चलेगा और घूर्णन गति में क्या करता है, ये अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति भी करता है, जिसे हम लोग चक्रण गति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है वो इतना छीड़ इतना कम होता है कि परमाणु के चुंबकत्व में कोई योगदान नहीं दे पाता है, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण ही परमाणु का चुंबकत्व होता है। अतः देखा जाए तो प्रत्येक परमाणु का चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करना एक मौलिक घटना है, परंतु कुछ परमाणु चुंबक का गुण प्रदर्शित करते हैं, नहीं चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में देखते हैं हम लोग कि इन तीनों पदार्थों का वर्गीकरण जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो अब पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी इनका कोई परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इनके कक्षाओं में परस्पर विपरीत दिशा में चक्कर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के पूरे युग्म बन जाते हैं जो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन ये है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर गति कर रहा है तो दूसरा इसी के बगल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसकी चक्कर गति कुछ इस तरह से रहेगा, यानी एकदम विपरीत चक्कर रखते हैं, एक ऐसे आ रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को ये निरस्त कर देते हैं, अतः इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब इनको हम लोग किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने की स्थिति में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है क्योंकि उस पर बल आघूर्ण लगता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर भी बल आघूर्ण लगता है लेकिन वो मंदित होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है उसके कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है, जिस जो इलेक्ट्रॉन मंदित होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण घटता है। इन दोनों परिस्थितियों में देखा जाए तो परमाणु का तो एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, लेकिन यह परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बाह्य क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में होता है। अतः यहाँ पर देखा जाए तो परमाणु चुंबकित होता है लेकिन बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जो बाह्य क्षेत्र के मान को कम कर देता है, और यही आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉनों के परस्पर विपरीत दिशा में चक्कर गति करने वाला युग्म नहीं बन पाता है, अतः इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा, और यह एक नन्हे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो समानता के आधार पर देखा जाए तो
प्रत्येक परमाणु एक नन्हे दंड चुंबक का है और इसे हम लोग नाम देते हैं परमाणु चुंबक। ये परमाणु चुंबक जब बाह्य क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो ये भिन्न दिशा में संरक्षित रहते हैं और भिन्न दिशा में संरक्षित रहने के कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए ये भिन्न भिन्न दिशाओं में संरेखित हैं, लेकिन जब इनको किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य क्षेत्र में रखने के कारण प्रत्येक परमाणु चुंबक पर एक बल आघूर्ण लगता है। वह बल आघूर्ण परमाणु चुंबक को बाह्य क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रवृत्त रखता है और ये तब तक कार्य करता है जब तक कि सभी परमाणु चुंबक बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं जाते हैं। तो जब सभी परमाणु चुंबक बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है और वह परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्राप्त होता है जो बाह्य क्षेत्र के मान को कुछ बढ़ा देता है और यही आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है और उस परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के कारण इसका प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में कुछ अन्यों जटिल अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण असंख्य अति सूक्ष्म आकार के क्षेत्र बनते हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं और उस डोमेन में देखा जाए तो 10^17 से 10^21 तक परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। ठीक, प्रत्येक डोमेन अपने भिन्न दिशा अपने पड़ोसी से भिन्न दिशा में संरेखित रहता है जिसके कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अगर देखा जाए तो वह m का मान शून्य होगा। लेकिन जब हम बाह्य क्षेत्र में इस लौह चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुंबकन दो विधियों द्वारा होता है। पहला एक विधि होता है डोमेन के सीमाओं के विस्थापन द्वारा। यह तब होगा जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होगा और दूसरका मिलता हम लोग को डोमेन के घूर्णन के द्वारा, डोमेन के घूर्णन के द्वारा। ये तब होता है जब बाह्य क्षेत्र काफी प्रबल होता है। तो पहली स्थिति में देखिए यहाँ पर चार डोमेन दर्शाया गया है ए बी सी डी। डोमेन डी की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है इसलिए इसकी परिसीमाएं बढ़ जाएंगी। शेष जो है देखिए यहाँ पर डी की सीमा बढ़ जा रही है लेकिन ए बी और सी की परिसीमा यहाँ पर घट जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर बाह्य क्षेत्र प्रबल है तो सभी डोमेन बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं और देखा जाए तो एक रूप से स्थायी चुंबक बन जाता है जिसका अध्ययन अभी हम लोग आगे करेंगे। प्यारे बच्चों, चुंबक बनाने के लिए हमें कुछ उस पदार्थ का गुण चाहिए और कोई भी पदार्थ चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है वह धारणशीलता एवं निग्राह्यता से पता चलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग धारणशीलता और निग्राह्यता क्या है। अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को धारावाही प्रणालिका में रख करके उस धारावाही प्रणालिका में हम दिष्ट धारा प्रवाहित करें तो पदार्थ के चुंबकित होने और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो चित्रानुसार हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट होता है। इस ग्राफ का प्लॉट यानी ओ से लेकर ए तक यह निरूपित करता है, ये बिंदु आपका ए है, ओ से लेकर ये तक निरूपित करता है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकन की तीव्रता भी बढ़ती है और बाद में ये चुंबकन की तीव्रता संतृप्त हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि धारावाही प्रणालिका में दिष्ट धारा के मान को धीरे धीरे कम करते हैं तो वहाँ पर बाह्य क्षेत्र का मान घटता है। लेकिन जब बाह्य क्षेत्र का मान घटता है तो चुंबकन की तीव्रता भी घटती है लेकिन पहले जैसा नहीं जैसा बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में जब बाह्य क्षेत्र यहाँ पर शून्य हो जाता है तो देखा जाए कि
यहाँ पर चुंबकन की तीव्रता शून्य नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो चुंबकन की तीव्रता मिलती है यहाँ बिंदु बी पर, उसे हम लोग चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। क्या नाम दे दिया बच्चों? चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए उसी धारा परिनालिका में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को अब विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। तो जब आप विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो चुंबकन की तीव्रता भी घटती है और उस बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित मान पर चुंबकन की तीव्रता भी यहाँ करके घट जाती है। यानी जब बी बराबर जीरो हो तो ऐसी स्थिति में यच का जो ऋणात्मक दिशा में मान आएगा उसे हम लोग निग्राहिता कहते हैं। क्या कहेंगे? निग्राहिता कहते हैं। फिर आगे बढ़ाएं तो हमको संतृप्त अवस्था मिलता है और संतृप्त अवस्था मिलने के पश्चात हम लोग फिर आगे क्या करते हैं कि पूरा अगर ग्राफ प्लाट करें तो ऐसे सममित एक ग्राफ प्लाट होगा मिलता है, जिसे हम लोग शैथिल्य वक्र कहते हैं। क्या नाम देंगे इसे? शैथिल्य वक्र कहते हैं। और यही शैथिल्य वक्र आपका ए बी सी डी ई ए, यही आपका शैथिल्य वक्र है। बच्चों अब हम लोग देखते हैं स्थायी चुंबक क्या होता है। वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण बनाए रखे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्थायी चुंबक। और स्थायी चुंबक का हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत जगह उपयोग होता है। ठीक है, अब इनके बनाने की कई विधियां हैं, हम एक भी देखते हैं। आप क्या करिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ का एक रॉड ले लीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा में इसको रख दीजिए और रखने के पश्चात इस पर हथौड़े से आघात करिए, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि यह जो है एक स्थायी चुंबक बन जाता है। दूसरा एक विधि यह है कि धारावाही प्रणालिका में हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ का एक रॉड रख दें और इस धारावाही प्रणालिका में हम लोग क्या करते हैं, दिष्ट धारा प्रवाहित करें। कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे आप? दिष्ट धारा। तो जब सभी डोमेन यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के जो यहाँ पर आपने छड़ लिया है इसके सभी डोमेन जब संरेखित होकर एक ही दिशा में विलीन हो जाएं तो यह स्थायी चुंबक बन जाता है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबक क्या है। अब देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबक। बच्चों आप ये भी जानते हैं कि धारावाही प्रणालिका का व्यवहार एक दंड चुंबक के समान होता है और आप ये भी जानते हैं कि धारावाही प्रणालिका के भीतर अगर कोई क्रोज रखते हैं तो उसके चुंबकत्व को काफ़ी प्रभावित करता है। तो एक धारावाही प्रणालिका लेते हैं और धारावाही प्रणालिका के अंदर हम एक उपयुक्त क्रोज रख देते हैं जिससे कि उसका चुंबकत्व काफ़ी बढ़ जाए, तो इस संरचना को ही नाम देते हैं हम लोग विद्युत चुंबक। अगर देखा जाए तो जो इसका उपयोग है वो विद्युत घंटियों, ध्वनि विस्तारक एवं दूरभाष यंत्रों में किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसकी सहायता से अपनी आवश्यकता अनुसार हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और जैसे ही हमारी आवश्यकता खत्म हो जाए हम चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त भी कर सकते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धारावाही प्रणालिका है और आप धारावाही प्रणालिका के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ का एक खोखला बेलनाकार रचना होती है जिसके ऊपर तांबे का विद्युत रोधी तार लपेट दिया जाता है और इसका संबंध हम लोग एक दिष्ट धारा स्रोत यानी बैटरी से कर देते हैं और यहाँ पर आप कोई क्रोड रख देते हैं। इस क्रोड के रखने से इसका चुंबकत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो बच्चों हमारा ये चुंबकत्व और द्रव्य संबंधित तीनों भाग आज समाप्त हो गए और आप इस पर जो भी कोई कठिनाई हो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।